ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं फोन कर रहा हूँ शर्मा। प्रोजेक्ट 3 साल का है और मेरी समझ में इन 3 सालों में रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम से कम 20% बढ़ेगा। तुमने इस बात को कंसिडर ही नहीं किया। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है शर्मा? मैं पेपर्स वापस भेज रहा हूँ, फिर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके मुझे भेजो, ओके? हाँ अमित, बोलो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? ताऊ जी, हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, अगर आपके पास वक्त हो तो। ओह वेरी गुड, आप लोगों ने बनाया है तो अच्छा ही होगा। पापा, ये शर्मा की प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है, ये हम दोनों ने बनाई है, पूरे 300% प्रॉफिट मार्जिन है। ओह वेरी गुड भाई, वाह वाह बेटे, ऐसा प्रोजेक्ट तो हम लोग आज तक नहीं बना पाए। ताऊ जी, 300% प्रॉफिट मार्जिन तो था, लेकिन वीरेंद्र से गलती हो गई। हुआ यूं कि इनकम में तो उसने पूरे 7 फ्लोर्स को गिन लिया, लेकिन खर्चे जोड़ते वक्त बीच के 5 फ्लोर को भूल ही गया। फिर तो बस मार्जिन 30-40% बची होगी जी। लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला? बेटे, जब बड़े बच्चों को रास्ता देते हैं ना, तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे उस रास्ते पर ठीक ठीक चले, समझे? मुझे भाटिया ने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये देखो, ये है ना तुम्हारा वो ड्रीम प्रोजेक्ट। अरे, मैंने इस प्रोजेक्ट की पूरी स्टडी कर ली, कुछ रिमार्क्स भी लिखे, देख लेना। यार अमित, ये पापा तो बिजनेस में भी हमारे पापा निकले यार। अमित, क्या कह रहा है ये? कुछ नहीं ताऊ जी, कह रहा था कि बच्चे बच्चे होते हैं और बाप बाप होता है। मजाक कर रहा है। अच्छा, हम लोग चलते हैं अभी। ओके बेटे, बाय पापा। बाय बेटे। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ राधिका, बोलो। क्या बोलूँ, प्रांजल नाराज होकर अपने मायके चली गई है जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो राधिका, ये घर वाले मामलों में तुम मुझे ऑफिस में डिस्टर्ब मत किया करो, समझी? क्या बात है लक्ष्मी, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो। बचपन में एक कहावत सुनी थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे थे, आज सामने देख रही हूँ तो हंसी आ गई। आजकल तुम भी ना बहुत घुमा फिरा कर बातें करने लगी हो। अरे साफ साफ कहो ना, किसके बारे में कह रही हो? बातें करने का मौका तो हमें हमारी एक ही बहू देती है, प्रांजल। अब देखिए ना, उसने खुद ही निधि से झगड़ा किया और खुद ही गुस्से में घर छोड़कर मैके चली गई। तो ये बात है, चलो अच्छा हुआ। अब इसमें अच्छा क्या हुआ? अरे भाई, अच्छा ये हुआ कि अब कम से कम कुछ दिन तो इस घर में शांति रहेगी। अब वैसे ये प्रांजल गई कितने रोज के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, आप खुद ही प्रांजल से पूछ लो ना, मिलाओ फोन। सठिया गई हो क्या, उम्र से पहले ही? अरे मैं हूं ना, तेरे मामा तेरे साथ है तो फिर फिकर क्यों कर रहे, सब ठीक है जाएगा यार, चिंता मत कर। अरे कहा रहा थे जीजा जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई से लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं होता, इसका ठेका तो आपकी बहन उर्मिला ने ले रखा है। अरे लेकिन हुआ क्या डैड? कुछ नहीं बेटा, बिना सर पैर की बातें। मुझे नहीं लगता कि उर्मिला के होते हुए इस घर में कभी शांति रहेगी। अरे रहने भी दीजिए डैड, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, आप उनसे कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। अरे लेकिन मैं बात कर सकूँ यार, मैं बड़ो भैया हूँ आपको। जीजा जी, आप मो को बताओ, तफसील से बताओ बात का हुई है। मनोलाल जी, आप अपनी बहन को समझा दीजिए कि वो अपनी आदतें सुधार ले, पहले तो वो सुमन के पीछे पड़ी थी और अब प्रिया के पीछे पड़ी हुई है और बार बार घर छोड़ने की धमकी दे रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार वो घर छोड़कर चली जाए। अरे आपको क्या हुआ मामा जी?
अरे ना ना हुआ कछु ना यार, लेकिन मैं अपनी बहन को जानू बहुत अच्छी तरह से। अरे इतनी जिद्दन है कि तो को का बता, बचपन से जिद्दी है, एक बात को पकड़ के बैठ जाएगी तो बस बैठ जाएगी, कोई और की बात को समझना ही ना चाहे। अरे भाई कभी कभी जिंदगी में कोई और बात भी समझनी चाहिए यार, पर या के तो कछु समझ में ही ना आया जीजा जी। मनोहरलाल जी आप होश में तो है? क्यों आप अपनी आदरणीय प्यारी बहन की बुराई कर रहे हैं? नहीं नहीं हमें बुराई भलाई की का बात है साहब, कभी कभी आदमी को सच भी बोलना चाहिए है? और मैं का बाकोई भाई हूँ, आपको सालो नायका जाको मामो नायका मैं आज तो आप बड़ा ही शुभ शुभ बोल रहे हैं मामा जी, आखिर बात क्या है? अरे बात कछु ना यार, लेकिन उर्मिला से मुको एक शिकायत है साहब, हमेशा से, अरे हमेशा अपने ही बारे में सोच, मेरी समझ में ना आया जीजा जी आदमी इतना स्वार्थी क्यों हो जाए। ये उर्मिला को देख लो, अरे दूसरा के मोशन इमोशन के बारे में कुछ सोचे ही ना है यार भाई, बहुत गलत बात है बाकी बिहारी लाल की कृपा से, नहीं तो मैं का जानू ना है। अरे मैं वाके सामने हाँ में हाँ सिर्फ या मारे मिलाऊं कि भाई घर में कलेश ना बढ़े, लेकिन मैं सब समझूंगा कि हाल। हाँ अब बता प्रिया के साथ शादी करके तू कितना पुण्य को काम कर रहा है भाई, वाह 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 है। या बात के वास्ते तो तेरी और मेरी दोनों उनकी फोटो छपनी चाहिए अखबार में। आप ये बात मन से कह रहे हैं मामा जी? अरे मन से का लाला, पूरी आत्मा से कह रहा हूँ, और मेरी आत्मा की बात तो को बता दो भाई, प्रिया के साथ तू शादी करेगो तो मोको सबसे ज्यादा खुशी होगी, सच्ची में बाकी बिहारी लाल की सौगंध खा के कह रहा हूँ। पर हमें तो खुशी तब होगी जब उर्मिला ये शादी होने देगी। अरे जीजा जी क्या बात कर रहे हो आप है? अरे मैं जे कह रहा हूँ जब मियाँ बीबी राजी तो का करेगी सुसरी काजी। आप तो बाकी बिहारी लाल को नाम लेकर के शादी की तैयारी करो, बस उर्मिला को मैं संभाल लूंगो। अरे वो जिद्दी है तो मैं भी वाको बड़ो भाई हूँ, कम जिद्दी ना हूँ। हाँ चिंता मत करो, शादी की तैयारी करो बस, चिंता मत करे लाला, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हे भगवान, आप ये सब कहकर आए प्रकाश और जीजा जी को? भाई बांके बिहारी लाल की सौगंध में तो जे ही कहकर आया हूँ। आपका कोई धर्म ईमान भी है कि नहीं? क्यों वहाँ प्रिया को डांट लगवा दी और यहाँ जीजा जी से कह रहे हो कि प्रिया को इस घर में आना ही चाहिए, ये दोनों बातें आप ही ने की ना? अब देखो भाई प्रमिला रानी, बात ऐसी है कि जैसी भी हो वो तो तुम मेरी धर्म पत्नी, या वजह से तुमसे तो झूठ बोलूंगा ना। हाँ मैंने ही दोनों बात की है बरोबर। लेकिन क्यों की? नहीं मैं तो बताऊंगा ही तो, लेकिन तू जरा अंदाजा लगा। अब मैं क्या अंदाजा लगाऊ, बातें तो आपने की है, आप ही बताइए। तू मेरे साथ रहकर कछु ना सीखी, ढोल को ढोल ही रही है। ना ना मैं बता रहा हूँ, देख भाई मेरे बाबा का वो करते कि भैया अगर जंगल में ऊंट खड़ो हो तो बाकी दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ की जमीन साफ रख देनी चाहिए। हाँ लेकिन आपके बाबा ने आपसे ये भी तो कहा होगा ना कि क्यों करनी चाहिए? अरे भाई ऊंट तो ऊंट ही है ना ससुरो, पतो ना कौन सी करवट बैठ जाए। नहीं अब इस प्रकाश की शादी में ये ऊंट कहाँ से आ गया? अरे प्रकाश की शादी को मामलो भी ऊंट जैसे ही है ससुरो। हाँ देख मैं बताऊ, अगर मान लो उर्मिला की कही चल गई तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर प्रिया रानी या घर में बहू बन के आ गई तो उर्मिला को तो पत्तो साफ है जाए। अरे वो तो खुद ही कई बार रो चुकी है, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं घर छोड़ दूंगी। मान लो वाने घर छोड़ दियो तो का है वो? तो अरे तो ये के भैया चाहे माँ घर में रहे चाहे बापू घर में रहे है, चाहे दोनों घर में नहीं रहे, लेकिन मामा मामी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जे है अपनी पॉलिटिक्स बाकी बिहारी लाल की कृपा से, समझ गई? ऐसी बातें करो भी आप और समझो भी आप। हे बाकी बिहारी लाल महाराज, का पोटली आपने मेरे सर पे बांध दी है, अब आपको कैसे समझाऊं? अभी तो मेरी समझ में ना आ रही, ये प्रकाश कुमार ने मुको ही कंफ्यूज कर रखो है ससुरो। आपने प्रकाश भैया को शादी करने के लिए मना लिया ना, आपको मेरे प्रकाश भैया द ग्रेट के साथ शादी करने में कोई एतराज नहीं? भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी पूजा भी करते हैं। हमारे दोस्ती के रिश्ते को भी एक नाम तो देना ही होगा, हमारे विचार मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर इस नाम से नजरें चुराने का क्या फायदा? हम दोनों बच्चे नहीं हैं और हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा वक्त दूंगा। तुम मेरी शादी में मेरा घर देखने आई थी ना,
और आज तुमने उसी घर में बहू बनकर आने की प्लानिंग भी शुरू कर दी। प्रांजल आप मेरे तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मेरी बात सुनोगी, समझी? सिर्फ मेरी बात। क्या सोचकर तुमने ये साजिश रचाई है प्रिया? क्या सोचकर? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस साजिश से मेरे घर में खुशियां आ जाएंगी? प्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा परेशान है, और तो और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे ससुराल में लोग मुझे ताने दे रहे हैं, और तुम हो कि खुशियां मना रही हो। और कैसी खुशियां? हाँ, कैसी खुशियां? जब एक तलाकशुदा माँ बनने वाली औरत एक कवारे लड़के से शादी करने के बारे में सोचती है ना, तब उसे खुशी नहीं, खुदगर्जी कहते हैं, खुदगर्जी। और वैसे भी प्रिया, अगर मेरे बेवकूफ भाई प्रकाश की वजह से तुम्हारी ये साजिश कामयाब हो भी गई ना, तो तुम्हारे सर पर एक नहीं बल्कि 100-100 दिल तोड़ने का इल्जाम लगेगा। आपको मेरे प्रकाश भैया द ग्रेट के साथ शादी करने में कोई एतराज़ नहीं? हमारे दोस्ती के रिश्ते को भी एक नाम तो देना ही होगा। मेरे होते हुए तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी पूजा भी करते हैं। हमारे विचार मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या सोचकर तुमने ये साजिश रचाई है प्रिया? क्या सोचकर? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस साजिश से मेरे घर में खुशियां आ जाएंगी? हम दोनों बच्चे नहीं, और हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा वक्त दूंगा। जब एक तलाकशुदा माँ बनने वाली औरत एक कवारे लड़के से शादी करने के बारे में सोचती है ना, तब उसे खुशी नहीं, खुदगर्जी कहते हैं, खुदगर्जी। हेलो जी, आप कौन? एक मिनट। सुरेंद्र भैया, आपके लिए फोन है। किसका है? जी वो ऑफिस से तिवारी जी का फोन है। तिवारी, आप क्या भूल गए तुम? तिवारी, आज पूरा दिन तुमने मुझे ऑफिस में परेशान किया, अब कम से कम घर पर तो चैन लेने दो। सॉरी सर, आपसे एक बात पूछना भूल गया, ये 99 की लीज पेपर भी परचेज डीड जैसे ही बनेंगे। अब 99 ईयर की लीज के पेपर्स कैसे बनेंगे मुझे नहीं पता, खुद पता करो। तिवारी, तुम पिछले 2 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन इन 2 सालों में मजाला तुमने एक भी काम ढंग का किया हो? तिवारी, दिस इज टू मच। हाँ तिवारी, राम बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। देखो, जैकब से कहो वो तुम्हें ऑफिस रिकॉर्ड में से वॉल्टन प्रॉपर्टीज की फाइल निकाल कर दे देगा। और सुनो तिवारी, लीज के केस में 2 डीड्स बनेंगी, समझे? तुम फाइल रेफर कर लो, और कोई भी बात समझ में नहीं आए तो मुझे फोन कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। चाचू, थैंक यू। इट्स ऑल राइट बेटी, बहुत थके हुए लग रहे हो, जाओ जाकर आराम करो। जी। राम, जी भैया। थैंक यू राम। अरे इसमें इसमें थैंक यू की क्या बात है भैया? तुमने बहुत अच्छा किया राम, जो सुरेंद्र की मदद की, मुझसे तो वो सलाह लेने आएगा नहीं। जहां प्यार के फरिश्ते राम, ये बच्चे भी कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। कल तक ये लोग हमसे चॉकलेट दिलाने की जिद किया करते थे, मुझे तो चॉकलेट का शौक था नहीं, बस तुम्हें डिब्बे भर भर के
चॉकलेट लाया करते थे। पता नहीं राम हमसे क्या भूल हो गए। ये बच्चे मीठा खा खा कर कड़वा क्यों बोलने लगे। आपके इस सवाल का तो मेरे पास भी जवाब नहीं है भैया। हाँ तुम ठीक कहते हो राम, कई बार बड़ा होना भी एक अपराध है, लेकिन हमें तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी है ना। सोच रहा हूं वीरेंद्र की भी शादी कर लूं, अपनी ये जिम्मेदारी भी पूरी कर लूं। आप गलत सोच रहे हैं भैया। इसमें गलत क्या है राम? निधि वीरेंद्र से बड़ी है भैया, और अब तो वो अपने पैरों पर खड़ी भी होने लगी है। हाँ राम। हाँ भैया। इस घर के सारे गलत काम तो रोक नहीं सकता, लेकिन निधि में तो मेरी भी जान बसती है ना। क्या वक्त आ गया है राम, मैं अपने भाई को तो गले लगा सकता हूं, लेकिन आज मैं अपने बेटे को। बस भैया बस। सुरेंद्र मम्मी आप बेटा, रुमाल बांधने से तेरा सिर दर्द कभी ठीक हुआ है क्या? तुझे तो बाम लगानी पड़ती है ना। मम्मी मैंने बाम बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। तो अपनी माँ को ढूंढ लेता, मैं तो यही थी और समझ भी रही थी कि तेरा पुराना सिर दर्द फिर लौट आया है। देख तेरे लिए बाम भी लेकर आई हूँ। बेटा तू ये घर बार और बिजनेस की टेंशन मत लिया कर, तेरे सिर दर्द का यही कारण है। याद है बचपन में जब तू अपने बहन भाइयों से खेल में हार जाता था तो सिर पकड़कर मेरे पास दौड़कर आता था। मम्मी आपको याद है गुस्से में मैंने एक बार आपकी उंगली काट ली थी। और फिर पापा से मार भी खाई थी। तब कैसे बात बात पे दौड़कर मेरे पास आता था। लेकिन अब क्यों नहीं आता रे?